नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं तो क्या इतना आसान है? जी नहीं, काफी कठिन है। जी नहीं, आप फिर घबरा गए हैं। कठिन नहीं है, आसान बनाने का तरीका है। और हमारे साथ हैं नोदो पल्सेस के फाउंडर रवि आर कुमार। ये आपको बताएंगे आखिर आप कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कम समय में और अच्छी आमदनी कर सकते हैं। रवि जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस प्रकार से शेयर मार्केट नाम सुनते ही अब घबराहट भी होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जाते ही वो अपना हाथ जला के आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट होगा उन्हें? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबसे आसान है जी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस भाव पे, किस प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदें, किस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचें। जी जी। कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है जी, भाव का पता होना चाहिए, टाइम का पता होना चाहिए, हमारे पास एक पूरा प्लान होना चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल तब है जब आप पूरे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं जी। जब आपके पास एंट्री और एग्जिट का पूरा नॉलेज होता है कि कब हमें एंट्री करना है, कब हमें एग्जिट करना है जी, जी। मींस आपका जो बिजनेस है, आपका जो शेयर ट्रेडिंग का जो बिजनेस है, दिस शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। लोग मार्केट में उतर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि निकलना कब है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आप निश्चित तौर पर, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। इसका क्या मतलब है रवि जी, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट में जब हम आते हैं तो हम प्रॉफिट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। सर, मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आपके घर में खाना बनता है ना? जी हाँ, हमारे घर में बनता है जी। जी, नॉर्मली हम लोग किसी भी खाने को बनाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सपोज एक प्रोसेस, एक सब्जी बनाने का प्रोसेस होता है, लेकिन एक प्रोसेस से मैं सब्जी बनाता हूँ, उसका एग्जांपल शो करता हूँ। प्रोसेस ये है कि हम आपके घर में गए और एक हमने वो बर्तन लिया, पैन लिया, और पैन हमने गैस पे चढ़ाया और उसको उसमें हमने बस आलू डाल के गर्म किया जी, जी। गर्म करने के बाद मसाला डाला, उसे भी गर्म किया जी, जी। पानी डाल के गर्म किया, पक के तैयार है जी हाँ, बिल्कुल। बाद में हम भूल चुके हैं कि आलू को तलना भूल चुके हैं, बाद में उसमें थोड़ा सा तेल ऊपर से डालते हैं। मतलब हमने पूरा समय दिया, पूरा इंग्रेडिएंट्स लगाया जी, पूरा एनर्जी लगाया, पूरा टाइम लगाया, क्या टेस्ट आएगा सर? बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास प्रोसेस की कमी है तो निश्चित तौर पर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, यह कहना है रवि जी का। रवि जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई मार्केट में आएगा उसके पहले ट्रेनिंग में आएगा? सर, नॉर्मली हम एक जॉब करने के लिए 20 से 25 साल, 10 से 12 साल हम टेंथ की पढ़ाई करते हैं जी, 2 से 3 साल हम पढ़ाई करते हैं ट्वेल्थ की, 3 से 4 साल हम पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन की, 3 से 4 साल MBA की पढ़ाई करने के बाद हम एक जॉब करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान है, लेकिन यहाँ गंवाना भी उतना ही आसान है, बिकॉज आपको भाव का पता नहीं होता ना। तो बेहतर मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि विदाउट प्रॉपर एजुकेशन डोंट इंटर इनटू दिस मार्केट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मार्केट में आज 10,000 का स्टॉक बाय करता हूँ, मार्केट हमारे बाय करने का वेट कर रहा था, रिवर्स हो गया। दिस इज ए ट्रिलियन डॉलर मार्केट, और इस ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में हमारे 10-20-50 लाख से कुछ भी होने वाला नहीं है। बेहतर आप पहले मार्केट को समझें, पहले उस चीजों को पेपर ट्रेड पे उतारें, प्लान बनाएं, ब्लूप्रिंट बनाएं, तब जाके मार्केट में उतरें। तो अच्छे ट्रेडर बनने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ये जानना चाहिए। सर, अच्छे ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास क्लियर एग्जिट प्लान होना चाहिए। ओके, कब निकलना है वहां से, कब निकलना है। एंट्री करने से पहले एग्जिट का पता होना चाहिए जी हाँ। आप दर्शक जान लें कि अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कि कहाँ से आपको निकलना है, यानी प्रॉफिट में निकलना है या लॉस में निकलना है। अगर मेरे पास एक अच्छा प्लान होगा तो उस प्लान के तहत या तो छोटा लॉस लेकर हम निकल सकते हैं या बड़ा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं जी। जी, सबसे पहला बुक किया गया लॉस या स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। okay. अगर आप छोटा लॉस बुक नहीं कर सकते हैं तो आप बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं। ओके, दिस इज द गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि आप मिस्टेक से सीखते हैं, और यही बता रहे हैं रवि जी की मिस्टेक पहले करना है। मिस्टेक नहीं, वो आपके प्लान का एक हिस्सा है। अच्छा, अगर हम 10 बार मेहनत करते हैं, 5 बार स्टॉप आउट भी हुआ, नो प्रॉब्लम। उस स्टॉक को, उस गलती, उस कमी को ऐसे लेना है कि नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस। अगर छोटे लॉस लेने की क्षमता आप में नहीं है तो आप बहुत बड़ा लॉस करेंगे, एंड फाइनली यू विल स्टार्ट टेलिंग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। मानवंत जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जी। जी,
1979 में सेंसेक्स लॉन्च हुआ. सेंसेक्स बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक छोटी सी छोटा सा इंडेक्स बना. उस इंडेक्स का नाम था सेंसेक्स. 1979 में सेंसेक्स का वैल्यू था 100 रुपीज. इन 2019 दिस इज 42,000 रुपीज. मीन 420 गुना बढ़ा. अगर 1979 में अगर हम 100 रुपए का एफडी किए होते तो 8 ईयर्स में 200, 16 ईयर्स में 400, मीन्स 40 ईयर्स में 3200 हुआ होता. मीन्स 32 गुना हुआ होता. और स्टॉक मार्केट में बिना किसी डिविडेंड और कंपाउंड इंटरेस्ट के 420 गुना, मीन्स बिना कुछ किए हमारा पैसा हर साल 10 से 11 गुना बढ़ रहा है. जी जी. इस मार्केट पर भरोसा क्यों ना करें? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि इस मार्केट का डेप्थ क्या है. जी हाँ, बिल्कुल, डेप्थ जानना जरूरी है. आप कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों, कब से आप सेमिनार ऐसे कर रहे हैं? सर, हम 2008 से फुल टाइम ट्रेडर हैं और 2013 से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ. जी, कितने लोगों को अब तक ट्रेन कर दिया? सर, मैं ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 52 देशों में जाके 18,000 से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ. जी हाँ, उसका आपको रिजल्ट भी मिलता होगा? सर, रिजल्ट है तभी कॉन्स्टेंट हम ट्रेनिंग कर पा रहे हैं. जी हाँ, लोग आते हैं तभी. तभी लोग आते हैं. कितने आप वर्कशॉप, खासतौर से दिल्ली में अगर कोई आना चाहे तो कैसे आप? सर, मैं एक महीने में 2 वर्कशॉप इंडिया में करता हूँ, 2 वर्कशॉप इंडिया से बाहर करता हूँ. अच्छा, एक महीने में? जी. मतलब 4 वर्कशॉप आप करते ही करते जी, हैं? जी जी. फिर भी छोटे शहरों से भी काफ़ी ट्रेडर आते हैं. जब न्यूज आता है कि शेयर मार्केट उछला तो कुछ लोग चले जाते हैं उसमें. हाँ. वैसे समय में क्या करने के लिए आप? सर, आपको क्या लगता है मार्केट को ड्राइव छोटे ट्रेडर करते हैं, जिनके पास 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का कैपिटल वो करते हैं, जिनके पास बड़ा कैपिटल है? हाँ, बड़े कैपिटल. तो वो लोग न्यूज़ देख के एक्शन नहीं लेते हैं. न्यूज इज ए ट्रैप. आप इसमें ट्रैप मत होइए. इस न्यूज के ट्रैप में आप फंसेंगे, यू विल लूज इंटायर कैपिटल. सो हमेशा देखिए, एक फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले के तहत आपके पास कुछ भी कैपिटल हो, कितना भी कैपिटल हो, यू वॉन्ट, अगर आपके पास 1,00,000 का कैपिटल है, चाहे मार्केट पूरा नीचे हो जाए, आपका 500 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा. तो मार्केट में डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना चाहिए, एक फिक्स रिस्क रिवार्ड के साथ इंटर करना चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल, डिसिप्लिन जो आप कह रहे हैं ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग का मतलब नहीं समझ पाते. बिकॉज उन्हें ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं पता है. दे डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. ओके. उन्हें पता ही नहीं कि कब खरीदना है, कब बेचना है. डिसिप्लिन तो बहुत दूर की बात होगी. आप छोटे शॉर्ट टर्म भी कोर्सेज कराते हैं या कि एक महीने का कोर्स करें या 2 क्लासेस का आपके यहाँ आ जाए तो सीख जाएगा? सर, मेरी जितनी भी कला है मैं एक दिन के अंदर लोगों को बता देता हूँ. जी जी. दिस इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि इस एक दिन में सीखने वाला मास्टर बन गए, दिस इज नॉट पॉसिबल. आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक अपने सिस्टम पर बैठ के पर डे उस स्टेप को दोहराना ही पड़ेगा. ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगता है. जी. स्टॉक ट्रेडिंग में आप 8 घंटे के सेशन में आप हम आपको सारी नॉलेज दे चुके हैं कि डूज एंड डोंट्स, ये करना ये नहीं करना है, हाउ टू मेक अ ब्लूप्रिंट, हाउ टू स्कैन स्टॉक. 30,000 स्टॉक्स मार्केट में है. आप 2 या 4 स्टॉक में कैसे ट्रेड करेंगे? जी जी. मार्केट वोलेटाइल होना चाहिए. कितना होना चाहिए? दूध को नापते हैं लीटर से, दूरी को नापते हैं किलोमीटर से. तो मार्केट की वोलेटिलिटी को कैसे नापेंगे? जी, जी. हमें पहले पता होता है कि आज मार्केट में मतलब समुद्र में आज ज्वार भाटा आने वाला है, उसके पहले शांत हो जाइए. तो हम ट्रेंड बताते हैं, तो सब कुछ हम एक दिनों के अंदर बताते हैं. इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट ला पाएंगे. जी हाँ, बिल्कुल, प्रैक्टिस की जरूरत है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आसान नहीं होगा. आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे खासतौर से युवा एंटरप्रेन्योर है? और उसके पहले हम एक जानना चाहेंगे, खासतौर से भारतीय मार्केट को आप कितना ऊपर समझते हैं, कैसा चल रहा है? सर, आप लोग को लगता है मार्केट गिर रहा है. प्रोफेशनल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का. गिरने समय खरीद. कभी आपने सुना है कि जेपी मॉर्गन बैठ के रो रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है? कभी आपने सुना है बड़े बड़े एफआईआई गोल्ड स्मिथ, गोल्ड मैकन, ब्रांड स्मिथ, फ्यूचर फिनलैंड कभी बैठ के रोते हुए आपने सुना है? नहीं. बिकॉज आपके लिए मार्केट गिर रहा है, हमारे लिए मार्केट ऊपर जा रहा है. जी, हम पल्स पे काम करते हैं. okay. और पल्स हमें अकॉर्डिंग टू माई पल्स, अकॉर्डिंग टू मार्केट पल्स, मार्केट इज स्टिल इन पॉजिटिव डायरेक्शन. मार्केट में उतार चढ़ाव दिन के बाद, मतलब सुबह के बाद शाम होता है तो क्या आप हैरान, आप रोने लगते हैं? नहीं, ये मार्केट का एक कोई फेस नहीं है. नीचे आके मार्केट का एक वेव लेंथ बनता है, उस वेव लेंथ को हम फॉलो करते हैं. जी हाँ, वेव लेंथ को फॉलो करें. लेकिन हम बताएं चाहेंगे कि आप कुछ संदेश दें नए खासतौर से इन्वेस्टर और ट्रेडर को कि आप नो द पल्सेस से जुड़ें.
सर, नो द पल्स एक कैंपेन है, नो द पल्स कोई एक नॉवेल कॉज है, दिस इज नॉट, हम इस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करते, हम एक नॉवेल कॉज के लिए नो द पल्स में लोगों को जुड़ने कहते हैं। नो द पल्स के तहत लोगों को हम इतना एजुकेट करते हैं कि यू वॉन्ट लूज इवन अ सिंगल रुपीज आफ्टर अटेंडिंग माई वर्कशॉप इफ यू विल फॉलो माई रूल्स। और नो द पल्स से मेरा पल्स नहीं है, इंडिया में अगर 104 डिग्री में आपका शरीर का टेम्परेचर बुखार है तो अमेरिका में 104 में बुखार होता है, लंदन में वही होता है। पल्स इज ए टेक्निक, जिस टेक्निक के माध्यम से आप इजीएस्ट वे में 3 सेकंड के अंदर किसी भी स्टॉक का मूवमेंट पता कर सकते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, तो नो दो पल्सेस में आए हैं, और निश्चित तौर पर स्टॉक का मार्केट में अगर नए इन्वेस्टर हैं तो भी आप निवेश कर सकते हैं। सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप बैंकर्स के पास जाएंगे ना जी, बैंकर्स आपको सलाह देते हैं कि सर आप अपने पैसे को दो जगह डालो, या तो एफडी में डालो या तो आप म्यूचुअल फंड में डालो। व्हाट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट? यू डिफरेंट डिफरेंट शेयर को मिला के म्यूचुअल फंड बनाते हैं। सर इंडिया का टोटल जो टर्नओवर है दैट इज 2.9 ट्रिलियन, हमारा जीडीपी 2.9 ट्रिलियन में 2.75 ट्रिलियन इज बीइंग ओन्ड बाय टॉप 30 कंपनी जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में है। हमें सिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट गलत है, लेकिन वो बैंकर्स भी वही कर रहे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप गलती को सुधारना चाहते हैं तो नो द पल्स से जुड़े। गलती को सुधारना नहीं, वाकई अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो नो द पल्स के अभियान से जरूर जुड़े। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आर कुमार जी, जिस प्रकार से आपने बताया। निश्चित तौर पर आम आदमी को भी जो ट्रेडिंग करना चाहता है उसको काफी लाभ होगा। जी हाँ, तो अगर आप निश्चित तौर पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप नो द पल्स से जुड़े, और ये एक अभियान है जहाँ पर आप काफी आमदनी कर सकते हैं। नमस्कार।